हाय गाइस, दिस इज मी आनंद जैन, यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। सो गाइस, बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा के बाद हम स्टडी करें या जॉब करें। सो बेसिकली ध्यान से देखना वीडियो को, कंप्लीट देखना एंड चीजें एनालाइज करना, खुद के हिसाब से डिसीजन तुमको ही लेना है, ठीक है। सो मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है, जब हम डिप्लोमा करते हैं तो फाइनल ईयर में या इवन सेकेंड ईयर में कुछ कंपनीज आती है, तो बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन है। जब हमारे कॉलेज में कोई भी कंपनी आती है तो ध्यान से पढ़ा करो उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी किस पोस्ट पर और किस चीज के ऊपर स्टूडेंट्स को लेने के लिए आई। लाइक कंपनी जो है हमारे पास दो तरह की है, एक है प्रोडक्ट बेस्ड और एक है सर्विस बेस्ड। और मैं तुम्हें बता दूं, इवन जो जब मैंने डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा के बाद जो फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरा सिलेक्शन हुआ था वोल्वो एंड आइशर ग्रुप, ठीक है। उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग, 4 महीने की ट्रेनिंग थी, उसके बाद वो लोग मुझे क्या बना देते, मैनेजर बनाने वाले थे, ठीक है। सो बेसिकली मेरे कॉलेज से 2-3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और वो अच्छे से कर रहे हैं, बट मैंने नहीं ज्वाइन किया, बट सेलेक्ट हो गया था, ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया उसके ऊपर भी बात करूंगा अभी थोड़ा सा, बट अभी आगे देखो ये सारी चीजें, ठीक है। सो प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। अब यहां पर ध्यान से देखो कि प्रोडक्ट बेस में क्या होता है और सर्विस बेस में क्या होता है। जब कंपनी आती है तो ज्यादातर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को वो किस बेसिस पर ले जाती है, सर्विस बेस पर। यहां पर क्या होता है कि या तो आपको सेल्स में डाल देती है, या तो आप लोगों को इंक्वायरी में डाल देती है, या तो आप लोगों को कॉल डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, यही बेसिकली होता है। प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, प्लांट में, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में देना आप लोगों को। अब यहां पर क्या होता है कि बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को किसमें डालती है, प्लांट्स में, ठीक है, किसमें डालती है, प्लांट्स में, जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है और आप उस चीज के एक हिस्से हो, ठीक है, हिस्सेदार हो कि लाइक हाँ कि मैं उस मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा हूं। ऐसा डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ 0.1% मैं कह सकता हूं होता है। मैं एक स्टोरी भी बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं कितने लोगों को बुला करके तुम्हारे सामने दिखाऊं, कितनों का वीडियो बनाऊं, नथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि बेसिकली क्या है, जो ट्रूथ है वो आप लोगों को भी पता है, आप लोग पढ़ रहे हो। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सो इसमें प्लांट, सो बेसिकली डिप्लोमा वालों को इसी के लिए लेके जाती हो, या तो सेल्स इंक्वायरी या कॉल, या तो आपको बोलेगी कि मैं आपको प्लांट्स के लिए ले जा रहा हूँ, लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे होगा, या वो इस चीज को बताएंगे ही नहीं, वो बस बोलेंगे आप देखोगे कंपनी आगे लाइक ये वो फलाना, ठीक ना, एंड आपको ढकेल करके वो सेल्स में डाल देती है। आपको पता है ऑटो इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, इवन जो इंडिया के अंदर अभी कंडीशन है साफ डाउन है, ठीक है। सो ये तो हो गई बात, इवन द सैलरी विल स्टार्टिंग फ्रॉम 10K to 25K, दिस इज द मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, जो कोई कंपनी देती है इसके अराउंड देती है, ठीक है। मेरा जो था वो ये था, हाईएस्ट था 25, लाइक सैलरी ज्यादा थी, कट पीट के 25 के आने वाला था। सो देखो यहां पर क्या है कि ये मिनिमम सैलरी है 10K और जो मैक्सिमम है वो 25K है तुम्हारा, जो तुम्हारे पास आएगा। अब यहां पर देखो, तुम 3 साल डिप्लोमा करते हो, इतनी सैलरी मिलती है तुम लोगों को। इसके बाद जब तुम लोगों को इन डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है ना बच्चे, तो इन डिपार्टमेंट से निकलने के बाद बहुत मुश्किल है किसी और कंपनी में किसी और पोस्ट के ऊपर जाना डिप्लोमा वालों को। इवन मैं बताऊं कि मेरे भैया है ना, तो मतलब मेरे भाई का दोस्त है, इवन उन्होंने भी डिप्लोमा किया था 2012 के अकॉर्डिंग, आज देखो 2020, इवन 8 साल उन्होंने लगातार कंपनियां बदली है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से थे, उन्होंने बहुत सारी कंपनियां बदली है। इवन जा करके इवन मैं अभी उनके पास एक लेटर आया, सो 2 मंथ बाद उन लोगों को, यानी उनको जो दिल्ली है उसका ASM बनाया जाएगा, लाइक एरिया सेल्स मैनेजर है ना किसी पर्टिकुलर एरिया का, वो लेटर आया उनके पास, उन्होंने बताया था। सो बेसिकली देखो 8 ईयर का कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, 8 ईयर का। और इवन मैं बता दूं उनके पास बहुत सारे स्पेसिफिक नॉलेजेस थे, बहुत सारे से उन्होंने सर्टिफिकेट लिए, या बोल सकते हो अप्रोच था, ठीक है, एक तरह का अप्रोच था, उन्होंने कंपनियों से बात की, एक तरीका होता है इन्फ्लुएंस करने का, वो तरीका आजमाया, वो हर किसी के पास नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ वो हर किसी के पास नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। तो इवन तुम देखो कि तुम इस 10 से 25 के बीच सैलरी से घसीटते हुए जा रहे हो, इवन जब तुम 10 साल 15 साल 35K पहुंच जाओगे, ज्यादा ज्यादा 50K तो सपना है तुम्हारा, ठीक है, डिप्लोमा बेस पे रियलिटी है ये, ठीक है, 35K पहुंच जाओगे इवन आफ्टर 10 to 12 years। अब तुम सोचो आज के डेट में भाई 10 से
15 साल बाद अगर मैं 35,000 रुपए कमा रहा हूँ, क्या है आजकल छोटा से छोटा बच्चा ना, लाइक कोई भी वो कमा लेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चला करके, लाइक अपना बिजनेस चला दूंगा ना तो भी इससे ज्यादा आ जाएगा। एक सिंपल सी बात है, मैं क्यों अपने 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बर्बाद करूंगा इतना ज्यादा। सो दिस इज द रियलिटी, ठीक है। इवन डिप्लोमा के बाद जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं, आपको कभी भी निकाल देगा यार, 10 से 20 साल पुराना बंदा निकाल देती है कंपनी आज के टाइम में, तो तुम्हारी क्या स्टेबिलिटी है। सो बेसिकली यहां पर ये एजेंडा उठता है कि कभी भी तुम डिप्लोमा बेसिस पे जॉब के लिए जाओ तो देखो कि प्लांट में जॉब है या नहीं है, या किसी एक अप्रोच के थ्रू जाओ ताकि तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाना पड़े, ठीक। ये तो मुद्दा उठ गया। इसके बाद अनदर है तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। सो बेसिकली तुम देख ही रहे हो गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है, कितना निकलता है। सो बेसिकली अगर तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो डिप्लोमा बेस पे, तो मैं तुम्हें कहूंगा इवन तुम किसी कंपनी में सेलेक्ट हो, प्राइवेट कंपनी में पैसे कमाओ और साथ के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। ये बिल्कुल भी मत करना कि खाली बैठ करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो डिप्लोमा बेसिस पे, ये तुम्हारे लिए श्राप की तरह काम करेगा, ठीक है, एक बद्दुआ लग जाएगी तुम्हारे पास। सो बेसिकली तुम कोई प्राइवेट जॉब करो और साथ के साथ तैयारी करो, पॉसिबिलिटी है क्रैक कर लोगे, ठीक है। सो इवन दो कि निकलना चाहिए, सो सर्च कर सकते हो तुम गूगल के ऊपर। मैं थोड़े दिनों बाद ये चीज करूंगा कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब जो है डिप्लोमा बेसिस पे कहां कैसे निकला है। सो इवन आई एम वर्किंग ऑन सब सॉफ्टवेयर, मुझे एडिटिंग आती नहीं है और शायद मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं इतना महंगा सॉफ्टवेयर खरीद सकूं। सो इसीलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, चैनल को बड़ा तो बनाओ एटलीस्ट, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीजें हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। क्यों गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब में यार देखो, जूनियर इंजीनियर हो या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, कहीं पर भी हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर, देयर इज अ स्टेबिलिटी ऑफ जॉब, पैसे आने हैं, सक्सीड होंगे ही, ठीक है, सक्सीड होंगे ही, ये तो गारंटी है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। एक टाइम के बाद सक्सीड होगा, प्रमोशन मिलेगा, वैल्यू होगा, जो भी होगा। सो इवन दो कि इन चीजों से तो अच्छा है गवर्नमेंट जॉब होना, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन निकाल लोगे। और याद रखना इसके साथ साथ किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करो। अब हम बात करते हैं स्टडी के ऊपर, क्यों स्टडी करना जरूरी है। यार देखो बीटेक बेस पे ना, यार देखो बेशक स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है, लाइक इतना ही रहेगा, इसी के बीच रहेगा स्टार्टिंग सैलरी, लेकिन स्टेबिलिटी है, गारंटीड स्टेबिलिटी होती है डिप्लोमा बीटेक के बाद, ठीक है। जॉब के अंदर स्टेबिलिटी होगी, पोजिशन होगा, प्रमोशन होगा, बढ़ सकते हो किसी और कंपनी के अंदर, किसी और पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये कहने वाली बात होती है कि बीटेक के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी घटिया कॉलेज से कर ले। इवन नहीं भाई, किसी भी कॉलेज के अंदर कोई प्लेसमेंट नहीं होती है, नाम का प्लेसमेंट होता है, वो कहने के लिए है। तुमने भी देखा अपने कॉलेज के अंदर, सीनियर से पूछा होगा, जूनियर से, जूनियर्स पूछते रहते हैं ना भाई कि हाँ ये चीज है, ये कंपनी आई थी, कब आई थी, कब जाएगी, कितनों को ले जाएगी। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाँ IIT है तो हो ही जाना, NIT है तो हो ही जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने दम के ऊपर प्लेसमेंट लेना होता, अपना दम मतलब कोई कोडर है तो उसको फार कोडिंग आनी चाहिए, जावा है, C++ है, उसको पाइथन, ये सब प्रॉपर आना चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी में जाओ यार, घुस जाओ, बात करो, जॉब मिलेगी, दम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज तुम डिप्लोमा बेस पे नहीं कर सकते, ये चीज तुम बीटेक बेस पे कर सकते हो। इसीलिए मैं हर डिप्लोमा स्टूडेंट को कहता हूं यार बीटेक करो, और वो 3 साल जो तुम बीटेक कर रहे हो डिप्लोमा बेस पे रगड़ लो, तुम्हारी इंजीनियरिंग की जो स्किल है ना वो बनी हुई है डिप्लोमा में। सो घुसो बीटेक के अंदर और फाड़ दो, और जाओ खुद से जॉब मांगो, जॉब मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। ब्रांच बदलना है, इंटरेस्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, बीटेक में ब्रांच बदल दो, ले लो IIT, ले लो कंप्यूटर साइंस। और इवन दो मैं हर किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई, किसी भी ब्रांच में हो, ऐसे ब्रांच में जहां से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, भाई IT की तरफ क्विट करो, इलेक्ट्रिकल की तरफ क्विट करो, कंप्यूटर साइंस की तरफ क्विट करो, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा। सारी ही चीजें तुम देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है, तो कोशिश करो कि उसी ब्रांच की तरफ जाए, कुछ दिक्कत नहीं होता। डिप्लोमा में भी नहीं हुआ, बीटेक में भी नहीं होगा, पढ़ना है ही, स्ट्रगल करो, ऐसी नहीं मिल जाती यार सक्सेस, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना। तो स्ट्रगल करने के लिए अपने आइडियल्स बनाओ, कुछ ऐसे बंदे चुनो अपने आसपास जो हैं, लाइक मैं बोलता हूँ APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़ो, एलोन मस्क की देखो, चीजें पढ़ो, क्योंकि जो बंदा पढ़ेगा वही सक्सीड करेगा। कहने के लिए होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, एक आइडियोलॉजी बना दी हमारे सोसाइटी ने इंजीनियर्स के लिए, वो खत्म करो। सो इवन दो मैं कहूंगा बीटेक के लिए जाओ। इवन दो आगे अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीजें नहीं होंगी, पॉसिबल नहीं है, मैं इसे रफ करता हूं, ये अपने स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे बहुत सारे जानते हैं, लाइक इवन दो
बात करें तो सूरज भैया है, ठीक है, सो मेरे कजन है, उन्होंने अभी रिसेंटली गिट क्रैक किया और वो IIIT में गए। IIIIT के अंदर गूगल आता है, अमेजोन आता है, फ्लिपकार्ट आता है, IBM आता है, और भाई स्टार्टिंग सैलरी ना 25 लाख पर एनम है, 25 लाख रुपए पर ईयर, समझ रहे हो, अगर सेलेक्ट हो गया आती है, ठीक है। तो मैं कहूंगा बीटेक का भाई पेपर दो, सॉरी बीटेक का पेपर कह रहा हूँ, बीटेक में जाओ, और बीटेक में जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, बेसिकली गेट की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो, गेट की, गेट है। अब पढ़ने में इंटेलिजेंट हो ना यार, तो फाड़ दोगे। बार्क है, इसरो है, UPSC है, IAS है, भाई अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। बीटेक बेस पे भाई गवर्नमेंट जॉब की तो बतेर है, कहीं पर भी घुस जाओ, टीचिंग लाइन में घुस जाओ, PhD कर लो, प्रोफेसर बन जाओ, भाई बहुत अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हो, कहने के लिए पता नहीं है, तुम्हें दबा के रखा गया, तुम्हारा माइंडसेट बदल दिया। अब सोचेंगे पार्ट टाइम कर लेते हैं, अबे भाई कोई बीटेक डिग्री पार्ट टाइम नहीं होती है, ठीक है, बंद कर दिया इसे, वो कुछ भी नहीं होता। DTU में जाओगे, इवनिंग शिफ्ट में है, तो उसमें क्या होता है कि ना डिग्री पार्ट टाइम दे देते हैं वो, और जाना रेगुलर होता है, क्या फायदा हुआ उससे, कोई फायदा तो नहीं हुआ ना, तो लात मारो ऐसी चीजों को। सो बीटेक में जाओ, कहीं से भी करो, गेट की तैयारी करो 3 साल, गेट निकालो, गेट के बाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, या तो PSU ज्वाइन करो, और PSU नहीं ज्वाइन करना, अच्छा रैंक आएगा तो M.Tech के लिए जाओ, ठीक है। किसके लिए जाना, M.Tech के लिए, M.Tech के लिए भाई कुछ भी ले लो, IIIT दिल्ली ले लो, IISc बैंगलोर ले लो, IIT दिल्ली ले लो, IIT मतलब कोई भी IIT में जाओ, या NIT में जाओ, NIT भी बढ़िया है, IIT भी बढ़िया है, IISc बैंगलोर सबसे टॉप है, IIIT दिल्ली है, भाई कहीं पर भी जाओ M.Tech कर लो, M.Tech के बाद तो तुम्हारा ब्रेन खुल जाएगा। तुम ऐसे बंदों के आसपास रहोगे ना, जिनका माइंडसेट के साथ तुम कहोगे ना यार ये जिंदगी है, एक्चुअली मैं अब आया हूं मैं इस रोल के अंदर, और ये तो अपॉर्चुनिटी है ही, बार्क हो गया, इसरो हो गया, UPSC हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, टीचिंग जॉब हो गया, PhD कर लेते हैं किसी भी चीज से, भाई प्रोफेसर लग जाएंगे किसी डिप्लोमा कॉलेज में, अंधा पैसा है। मेनली मेजोरिटी हमारी जिंदगी की 99% जो प्रॉब्लम है ना, वो मनी से सॉल्व हो सकती है, 1% नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें कैपेबल होना होगा, जो हमारे एथिक्स है उसे अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो यही चीज था, समझ में आ गया आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली जॉब्स, पढ़ाई देख लो, जॉब्स में क्या था, पढ़ाई में क्या है, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हार्डवर्क के सक्सेस नहीं मिलती, ये लाइफ है भाई, सक्सेस तभी मिलेगी जब तुम हार्डवर्क करोगे, और इवन जब भी तुम हार्डवर्क कर रहे हो, अपने आप को, अपने माइंड को ऐसा बनाओ कि सफर का मजा लेकर के, दिमाग में प्रेशर मत डालो, प्रेशर डालोगे खत्म करोगे अपने आप को, सो मजा लेकर के पढ़ो। बाय बाय, थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर करना मत भूलना।